यूपी के संबल में महिला पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज में 50,000 नकद और कार नहीं लाने पर ससुरालियों ने विवाहिता से पहले मारपीट की और बाद में तेजाब से हमला कर दिया। किसी तरह बचकर निकली महिला ने पड़ोसियों की मदद से पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हीना। हीना, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे दुल्हन में मारता गायन होता चार पहियों की। कौन मांग रहा था? मैडम है हमारा दुल्हन जी। हमारे दुल्हन बस। क्या नाम है पति का आपके? मंजार। अच्छा, क्या मांगते हैं? कार चार पहियों की मेट्रो वाली। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी 3 साल हो गए शादी को। तभी से परेशान कर रहे थे आप? जब से परेशान कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, आज क्या हुआ था? आज भी गाड़ी मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया। बोले 50,000 लेकर गाड़ी नहीं दिखा रहे तो। अच्छा, फिर तो मैं कि मेरे माँ बाप कमजोर है, मैंने आने क्यों बार बार वहाँ को लेना है। तो आके मैंने गला लगा दिया, गला लगा के चला गया बाहर को। तो जेठ ने टाँ पकड़ ली, सुधर ने हाथ पकड़ ली मेरे। फिर हमारी सास खड़ी, वो हमारे देवर के हमारे अखबारे कर रहे, कोई आता नहीं रहा। हमारे क्या नहीं, हमारे साथ डाल दे इसकी एकदम जल्दी से। एक दिन उन्होंने डाला, मैं गहने में जिसम जल। किस चीज़ से आप पर हमला किया? गहने पता क्या चीज़ थी, पीली पीली चीज़ बोतल में। अच्छा, फिर मैं गहने पता क्या चीज़ थी, मैं छुट के एकदम उनकी मैं सबके छोड़ के जो मेरे आग लगी सब, मैं एकदम भागी में कूद के। मेरे लड़का मेरा धोरा लेट था। ससुराल छुट के कैसे भागी आप? मैंने धक्का मारा सबको, तो एकदम उठी मैंने जब आग लगी सब में, मैं क्या चीज़ जल गई, मैं क्या मैं जल गई जल गई। फिर क्या रोशन कहा, मैं बट्टा भी मैं भागती हूँ वहाँ को पहुँच गई। तो रोशन कहा को एकदम जीने पे। क्या नाम है आपका? साईं नाम है मेरे। क्या हुआ आज ये? मेरे बेटे से कार मांगता, बहुत मांग करी। कौन मांगता है? हमारा दामाद मांगता। शादी कहाँ की थी आपने? कहाँ की थी शादी? देरसराय में। 50,000 रुपये मांगता और पैसे मंगाता घर से 50,000 रुपये और कार मांगता और मार तोड़ के भेजता। फिर हमारे बच्चे न गई तो इन और मारी और जो जेठ ने मकमा पकड़ी, सुसन ने टाँगें पकड़ी और दूल्हे ने वो डाला सास गोले जल्दी से डाल दे इस बदमाश बाबू और वो बराबर वाला घर हो नंबर के तेजाब डाला तेजाब बराबर वाला घर उसके नंबर के भाग कर गई और वो तायरा एक पड़ोस की उनने इसे बचाया। उनने फिर हमें इतला दी हमारे घर को समाज पूरे को, तब हमारे यहाँ की ओर तक आई। जब तब इसे लाई कोत भाई में को ले गए, फिर ये यहाँ को लाई। नर्सविक एसिड अटैक पीड़ित महिला आई है, क्या पूरा मामला है? ये महिला आई है, किसी केमिकल से जला हुआ प्रतीत होता है और जिसके जो स्पॉट्स हैं वो आपके अपर चेस्ट की तरफ है। क्या कुछ माना जा रहा है, क्या वास्तव में एसिड से इस पर हमला किया गया कुछ, या क्या किस तरीके का निकल के आ रहा है? जिस तरह से इसके कपड़े फटे हुए हैं और स्पॉट दिखाई दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो कपड़े पीछे तक जो है जले हुए लग रहे हैं और स्पॉट जो है वो केवल जो है अपर चेस्ट पर है। सर क्या मामला है, जिस तरह एसिड अटैक किया गया है दहेज को मांग कर, क्या मामला सर आया? पीड़ित महिला आई, उसने बताया कि मेरे ऊपर कुछ लोगों ने, घर वालों ने ही, उसका कहना है ससुराल वालों ने ही मेरे ऊपर अटैक किया है, जैसे उसका कहना है कि एसिड अटैक है। लेकिन हम उसके जो प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया है उस प्रार्थना पत्र का था, मैंने मुकदमा पंजीकृत करा लिया है, मैंने महिला का शिविर लगाकर मेडिकल हेतु भेज दिया हूँ। मेडिकल के बाद जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या जिस तरह से उसका आरोप भी है कि वो लगातार तलाक का दबाव देता था, पैसे की डिमांड की थी उसने 50,000 रुपए की, इस क्या इस पे भी जांच की जा रही है सर? उनके सभी बिंदुओं के जिन्होंने जो उन्होंने आरोप लगाया है उनके सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।